दोस्तों, करण जौहर ने अपनी किताब में एक वाकये का जिक्र किया है जिसको सुनने के बाद आप कह सकते हैं कि हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार खुद को लेकर कितने इनसिक्योर्ड है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिपोर्ट जो कि जुड़ी हुई है बॉलीवुड के किंग खान यानी कि शाहरुख खान से और उसके साथ सदी के महानायक यानी कि अमिताभ बच्चन से और उसके साथ भाई बॉलीवुड के रियल हैंडसम हंक और बेहतरीन एक्टर बेहतरीन डांसर यानी कि ऋतिक रोशन से। तो दोस्तों, करण जौहर ने जो ये वाकया लिखा है वो ऋतिक रोशन के लिए लिखा है अपनी किताब यानी कि अनसुटेबल बॉय, एक ऐसा लड़का जो कि भैया खोया खोया सा था उनके फिल्म के सेट यानी कि कभी खुशी कभी गम में। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि भैया कभी खुशी कभी गम बॉलीवुड की बेहतरीन पारिवारिक फिल्मों में से एक है और इसे देखना पसंद करते हैं, लेकिन करण जौहर ने अपनी इस फिल्म को लेकर एक ऐसी बात सबके सामने रखी अपने किताब के माध्यम से जिसमें उन्होंने बोला भैया कि बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन पारिवारिक फिल्म का जो सेट था उसका माहौल ही पारिवारिक नहीं था। यानी कि भैया इस फिल्म से हम लोगों ने एक पारिवारिक माहौल देखा था सिनेमा घर में, लेकिन इस सेट का यानी कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान वहां पे पारिवारिक माहौल ही नहीं था। और ये बातें क्यों करण जौहर ने कही तो चलिए मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, आखिर में करण जौहर ने ये बात क्यों कही कि भाई उनकी इस पारिवारिक फिल्म के शूटिंग का माहौल पारिवारिक नहीं था, तो उसका कारण थे ऋतिक रोशन। तो भाई ऋतिक रोशन कैसे कारण बने तो चलिए वो भी कारण मैं आपको बता दूं। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि ऋतिक रोशन ने अपनी फिल्मी करियर की शुरुआत की थी फिल्म कहो ना प्यार से और यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बहुत बड़ी हिट साबित हुई थी और इस फिल्म के हिट होते ही उस वक्त मीडिया ने ऋतिक रोशन को अगला सुपरस्टार घोषित करना शुरू कर दिया था, यानी कि शाहरुख खान से ऋतिक रोशन की तुलना शुरू हो गई थी और जो बात शायद शाहरुख खान को पसंद नहीं आई थी। इसी वाक्य का जिक्र करते हुए करण जौहर ने अपनी किताब में ये बातें लिखी थी। उन्होंने लिखा कि यह अनुचित था क्योंकि ऋतिक बहुत ही जूनियर थे और शाहरुख पहले से इतने बड़े स्टार थे, लेकिन वह ऐसा दौर था जब शाहरुख की एक या दो फिल्में फ्लॉप हो गई थी और मीडिया ने ऋतिक को एक सुपरस्टार की तरफ प्रोजेक्ट करना शुरू कर दिया था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए करण जौहर ने लिखा कि जो नकारात्मकता सामने आई थी वह सही नहीं थी, यह वास्तव में गलत था। मुझे लगा कि शूटिंग के दौरान ऋतिक एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसका थोड़ा सा हाथ पकड़ने की जरूरत थी। बच्चन के साथ उसके समीकरण नहीं थे और शाहरुख भी दूर थे, इसमें काजोल भी शामिल थी। यानी कि भैया इस सेट पे यानी कि इस फिल्म के शूटिंग के दौरान कोई भी एक्टर ही, मतलब जितने भी बड़े एक्टर थे, चाहे हम बात करें अमिताभ बच्चन की, चाहे हम बात करें शाहरुख खान की, आप बात करें काजोल की, इनमें से कोई भी स्टार ऋतिक रोशन से बात नहीं करता था और इसी वजह से ऋतिक रोशन खुद को कभी खुशी कभी गम के सेट पर अकेला महसूस करते थे। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए करण ने आगे कहा कि मुझे लगा कि ऋतिक के हाथ को पकड़ने की जरूरत है, उसको साथ की जरूरत है और मैंने उसे अपना साथ दिया और हमारे बीच अच्छी दोस्ती होगी। वैसे भी ऋतिक लोगों से ज्यादा घुलते मिलते नहीं है, लेकिन अब वो बेहतर हो चुके हैं। यानी कि अब ऋतिक रोशन लोगों से घुलते हैं, मिलते हैं, अपनी बातें सबके सामने रखते हैं। यानी कि भैया करण जौहर ने उस काले सच से पर्दा उठाने की कोशिश की है कि भैया जितने भी हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं वो खुद को कितना इनसिक्योर फील करते हैं जब भी कोई नया चेहरा तेजी से उभरता है बॉलीवुड में। वैसे भी आपको बता दूं कि बॉलीवुड में यह किस्सा हम लोगों ने कई बार सुना है कि बड़े स्टार ने एक छोटे स्टार का रोल कटवा दिया, यानी कि भैया एडिटिंग में बताया जाता था कि पहले बड़े स्टार खुद बैठते थे और वो देखते थे कि भैया सामने वाला किरदार कहीं उन पर भारी तो साबित नहीं हो रहा। वैसे आप अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि क्या वाकई में ऋतिक के स्टारडम से किंग खान घबरा गए थे, जैसा कि करण जौहर ने बताया अपनी किताब में द अनसुटेबल बॉय को लेकर। अपने कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।